हाँ जी, डिसाइड किया था कि ईयर 2023 जो होगा दैट विल बी माय ईयर। इस साल जो है मैं वो सारी चीजें करूंगा जो शायद मैंने लास्ट टाइम गलतियां की थी, या फिर इस साल जो है मुझे अपना मोर देन 100% जो है देना है एक गोल को अचीव करने के लिए। बट समहाउ शायद आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि अगस्त मंथ तक हम आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 7 महीने आपके यहाँ खत्म हो चुके हैं और 8वां महीना शुरू हो चुका है। एंड अगर अभी भी आप इस पोजीशन पे हो जहां पर आपको लगता है कि क्या पता चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या आज भी वो एफर्ट आप पुट नहीं कर रहे हो जो एफर्ट का आपने डिसाइड किया था, देन लेट मी टेल यू गाइस, आप एक बहुत बड़े इशू में फंसे हुए हो। एंड दिस इज बेसिकली नोन एज अ विशियस सर्कल। आप जो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हो, हर दिन आप सोचते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं जो है उठने के बाद अपने टाइम को यूटिलाइज करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, बट जैसे जैसे शाम होती है आप वापस से उसी थॉट पे आ जाते हो कि आपने आज पूरे दिन को जो है वो वेस्ट कर दिया है। तो ऐसे विशियस सर्कल से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ये आज के जमाने में रील्स, शॉर्ट्स, ये एंटरटेनमेंट की चीजें जो हमारे ब्रेन में थोड़े समय के लिए डोपामीन रिलीज करती है और हम खुश हो जाते हैं, इन चीजों से कैसे निकला जाए, ये चीज जो है आज हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, देन कम ऑन यार, प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन। एंड आल्सो एट द सेम टाइम, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जी हां, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। आपके मन में भी ये डाउट आएगा, सर बेसिकली डिसिप्लिन होता क्या है? सर डिसिप्लिन इज बेसिकली सिंपल शब्दों में चूजिंग व्हाट यू वांट फॉरएवर ओवर व्हाट यू वांट नाउ। हमारा ये जो मन है ये बहुत ही ज्यादा विचलित मन है और इसको जो है जैसे ही कुछ भी ऐसी चीज दिखती है जहां से इसको खुशी मिलेगी, जहां पे ये जो है अपना डोपामिन रिलीज कर पाएगा, उस जगह पे ये जाने के लिए बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। अब चूंकि इतने जल्दी आकर्षित हो रहा है, उस वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, सर जो आपने लॉन्गर टर्म पे एक गोल डिसाइड कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपको इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे मार्क्स से जो है एक्सेल करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक जंजाल में फंसे हुए, ये रील्स का जंजाल है, ये शॉर्ट्स का जंजाल है, ये आपके पबजी का जंजाल है, ये आपके सीओडी का जंजाल है। शायद आप इस उम्मीद में बैठे हो कि एक सीमा आपके लिए भी जो है सीमा क्रॉस करके यहां तक आ जाएगी पाकिस्तान से। खैर, ये सब चीजें तो मजाकिया है, बट जो सीरियस बात है वो ये है कि ये जो सारी चीजें आप कर रहे हो, ये सारी चीजें मिलकर अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा रही हैं आपके एक बिगर गोल को। जी हाँ, जो आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको फॉरएवर क्या चाहिए, अच्छा करियर, आपको फॉरएवर क्या चाहिए, अच्छा पैसा, आपको फॉरएवर क्या चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल, आपको ये सारी चीजें मिलने से ये जो क्षणिक चीजें हैं ये आपको रोक रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सर दो तरीके हैं, एक इस गोल को पाने के लिए आपको ज्यादा समय देना है, एंड दूसरा इस चीज को आपको मिनिमाइज करना है। अगर आप इस बेसिक सी बेसिक चीज को समझ पाते हो, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सेल करोगे। एंड ट्रस्ट मी, जब ये लाइफ आगे बढ़ेगी, अभी आपको जो भी जो है क्षणिक चीजें आपको खुशियां दे रही हैं, जब वो टाइम निकल जाएगा ना, देर विल बी अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट। एंड ट्रस्ट मी, रिग्रेट से बड़ी फीलिंग जो है यहाँ पर जो आपको डीमोरलाइज कर सकती है वो कोई भी नहीं है। एंड रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो समय है आपके पास उसका जो है फुल यूटिलाइजेशन करिए। एंड लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कुछ समय बाद कि जब आपकी डेथ हो जाती है, आप इस दुनिया से चले जाते हो, आप इस शरीर को छोड़ देते हो, उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद कुछ आपके चुनिंदा रिश्तेदार होंगे और आपके नेबर्स होंगे, वो आपके घर पर आएंगे, शोक मनाएंगे, फिर चौथे दिन तक आपको याद रखा जाएगा, 13वीं में जो है आपके नाम का खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड धीरे धीरे हर इंसान जो है आपको भूलने लगेगा। ना चाहते हुए भी जो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। बट दो ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जो आपके लिए हर पल, हर दिन, हर एक समय आपको मिस करेंगे, एंड वो होंगे आपके पेरेंट्स। जी हाँ, आपके पेरेंट्स जैसा अनकंडीशनल लव इस दुनिया में आपसे कोई नहीं कर सकता। आप किसी को कुछ भी करके दे दो, बट जो प्यार आपके माता पिता आपसे करते हैं वैसा अनकंडीशनल लव कोई नहीं करेगा। एक बार सोच के देखो कि कितना ज्यादा निष्पक्ष प्यार है, जहां पर आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं इसलिए ताकि आप पढ़ाई करो, आपको पैसा लगाते हैं किस लिए, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो पाए। क्या यहां पर कहीं पर भी उन्होंने अपने बारे में सोचा? नहीं, उन्होंने तो अपना पूरा जीवन जो है वो पूरा पूरा आपके नाम कर दिया। अगर आप जिस दिन आप आओगे मार्केट में और कमाने लगोगे, यू विल रियलाइज कि अगर आपके पास लेट सपोज 1 लाख रुपए आपकी इनकम आती है, और मैं अगर आपको बोलूं उसमें से आपको 20 से 25 हजार रुपए किसी एक व्यक्ति को देना है जो कि आपका बच्चा है या मैं हूं फॉर टाइम बीइंग, आप सोच के देखो कि क्या आप वो कर पाओगे। और हमारे पेरेंट्स ने क्या किया है? हमारे पेरेंट्स ने अपने सपनों को दबाकर आपको पढ़ाने की जो है यहाँ पे कोशिश करी, आपको एक अच्छे जीवन जीने की कोशिश करी।
तो हमारा क्या फर्ज बनता है? सर हमारा सिंपली एक फर्ज है कि जो इन्होंने हमारे लिए डिसाइड किया है, जो इन्होंने हमारे लिए सपना देखा है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमें ये चीज करनी है, तो उसमें अपना फुल 100% तो दे दें। होना ना होना, लाइफ में क्या होगा, दिस इज समथिंग जो किसी को नहीं पता है, बट जो चीज कंट्रोलेबल है एटलीस्ट वो चीज तो हम कर सकते हैं, राइट? इसीलिए आज से मैं आपसे विनती करूंगा कि सब चीजों को भूल जाओ, सारे शॉर्ट्स रील्स इन सब चीजों को छोड़िए, और समय के साथ साथ आप जो है अपने गोल की तरफ आगे एफर्ट डालिए। अब इस चीज के लिए करना क्या है? सर इस चीज के लिए आपको अगले आने वाले कुछ 7 दिनों में एफर्ट्स पुट करने हैं, और मैं अगर ब्रॉडर टर्म्स में बताऊं तो 7 दिनों में आपको करना क्या है, एक हैबिट बिल्ड करनी है। हैबिट बिल्ड कैसी करनी है? आप कभी भी देखिए, आप सो के उठते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सर सबसे पहले आप अपने बेड के साइड में देखोगे कि मेरा फोन कहाँ है, उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या मैसेजेस आए, उसके बाद आप चेक करोगे कोई नोटिफिकेशन आया है इंस्टाग्राम का, कोई नोटिफिकेशन आया है आपको यूट्यूब का, कोई नोटिफिकेशन आया आपको स्नैपचैट का, एंड फिर उनको चेक करने के बाद अल्टीमेटली जब 1-2 घंटे गुजर चुके होंगे तब आप अपने बेड से उठोगे, फिर आप वॉशरूम जाओगे, जब आप वॉशरूम जाओगे अगेन आप फोन लेकर जाओगे, फोन लेकर जाओगे वहां पर भी रील्स चल रही होगी आपकी सारी लगातार। सर ऐसे में जब तक आप फ्रेश होके बाहर निकलकर आ पाओगे नहा धोकर, तब तक ऑलरेडी यहां पर बहुत सारा समय जो है वो बीत चुका होगा। ऐसे ही तो हमें समय व्यर्थ नहीं करना है, तो क्या किया जाए? सर स्टेप नंबर 1, आपको अपनी पढ़ाई के टाइम को बढ़ाना है। पढ़ाई के टाइम को कैसे बढ़ाया जाए? सर आप देख सकते हो यहां पर आपको एक माउंटेन क्लाइंबर दिखेगा, जब भी कभी आप एक माउंटेन क्लाइंबर को देखोगे आप रियलाइज करोगे ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं, बट रादर धीरे 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 थोड़े थोड़े यहां पर जो है स्टेप्स लिए जाते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे टारगेट जो है उनको खत्म किया जाता है। वैसे ही आपको करना है, ये मत सोचिए कि अगर आप आज 1 घंटे या 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाते तो कल से मैं सीधे बैठ के 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, नहीं, कोशिश करो आज आप 2 घंटे के लिए बैठो, कल आप जो है 2.5 घंटे के लिए बैठो, फिर जो है आप अपनी सिटिंग को 3 घंटे की बिठाओ, फिर आप अपनी सिटिंग को 4 घंटे की करो, उसके बाद अपनी सिटिंग को 4.5 घंटे की करो, फिर आप अपनी सिटिंग को 5 घंटे की करो। ऐसा करते करते जैसे ही आप हफ्ते के एंड तक आओगे आप ये पाओगे कि आप जो है ऑलरेडी 6 घंटे की सिटिंग अपनी जो है वो डेडिकेटेड बना चुके होगे। तो एक तरफ तो आपको ये करना है कि आपको एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो है आपका ये सिनेरियो। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, अगर आप लेट सपोज आज 2 घंटे अपना मोबाइल चलाते हो, जो कि आई नो बहुत कम है, आप इससे कहीं ज्यादा अपना फोन यूज करते हो, कभी स्टैटिस्टिक्स देख लेना खोलकर इंटरनेट यूजेज का, तो आपको पता चलेगा कितने घंटे आपने यूट्यूब पे बिताए, कितने घंटे आपने इंस्टाग्राम पे बिताए। तो इन टोटल आई एम अज्यूमिंग कि आप 2 से 3 घंटे अपने फोन को जो है वो देते हैं। सर एंड मैम व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि आपको इसको बंद करना है, बट कैसे बंद करें? सर अनइंस्टॉल कर दें इसको, करके देख लो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट, बट कई बच्चों को मैं जानता हूं जो कि अनइंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रह पाते और उसके बाद फाइनली आके उसको दोबारा अनइंस्टॉल कर लेते हैं, राइट? मत करो ना ऐसा, क्या जरूरत है? रादर वो क्या करना है आपको कि अगर आप यहां 2 घंटे या 3 घंटे देते हो, उसमें आप हर दिन 15-15 मिनट जो है वो मिनिमाइज करते जाए, यानी आज अगर आप 2 घंटे करते हो, कल आप सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट करोगे, फिर उसके बाद आप 1 घंटे 30 मिनट करोगे, फिर उसके बाद आप 1 घंटे 15 मिनट करोगे, फिर आप जो है 1 घंटे यूज करोगे। ऐसे करते करते ये जो टाइम है जो आपका व्यर्थ जा रहा है इसको आप कम करिए, ये जो टाइम आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है इसको आप इंक्रीज करिए, इसको आप इंक्रीज करिए। एंड इन सभी के साथ साथ आई वुड सजेस्ट एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट ऐप। आप इस फॉरेस्ट ऐप को अपने फोन में डाल लो, वो आपको बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर आप अपने फोन से दूर रह सकते हो, और वो एक तरह का आपके मन में डोपामिन रिलीज करेगा और हैबिट बिल्डिंग करेगा। जैसे कि आप लोग को स्नैपचैट में स्ट्रीक्स की आदत होती है, वैसे ही वहां पर एक सिस्टम होता है जहां पेड़ जो है वो ग्रो होते हैं, तो आपका खुद का एक फॉरेस्ट बनता जाता है। तो यू विल रियलाइज कि जब जब आप अपने फोन को यूज नहीं कर रहे हो वो फॉरेस्ट जो है वो बन रहा है, तो आप जो है उस एम को अचीव करने के चक्कर में अपनी ये हैबिट जो है फोन यूज करने की उसको छोड़ देंगे, एंड अल्टीमेटली ये चीज जो है वो आपकी ग्रो होती रहेगी। अगर आपने इतना कर लिया, ट्रस्ट मी यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजिशन जहां पर आप जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो करना क्या है? करना यह है सर, स्टेप्स आज से लेने हैं, आपको कल का इंतजार नहीं करना है। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर आज, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में पड़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। बल्कि बच्चे इसका दूसरा करते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी यारो, जब जीना है बरसों, ये वाली चीज आपने सुनी होगी कि आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी यार, जब जीना है बरसों। सर हमको ये नहीं करना, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं इंस्टाग्राम पे, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी जब आपको किसी को हंसाना है,
बट रियल लाइफ में ये मायने नहीं रखता. रियल लाइफ में यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, रियल लाइफ में यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग. एंड ये सारी चीजें आपको तभी स्ट्रांग बना पाएंगे, आपको तभी इमोशनली स्ट्रांग कर पाएंगे जब आप अपने एम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगे. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि प्लीज आइडेंटिफाई योर गोल्स एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा साल निकल चुका है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. माय नेम इज आदित्य राय. थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्युएबल टाइम. कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग. जय हिंद, जय भारत.